पहुंचे हैं जयपुर के सीस्की इलाके में। और हम अगर बात करें यहाँ के मौसम की, तो मौसम नवंबर के महीने में ऐसा हो जाता है कि कड़ाके की ठंडी पड़ती है। और नवंबर के महीने में हम यहाँ देख रहे हैं कि मौसम बिल्कुल आम जैसा लगता है, ना सर्दी है ना गर्मी है। और हम बात करें दूसरे इलाकों की, जैसे पंजाब, दिल्ली, तो वहाँ पे ऐसी ठंड पड़ रही है कि ओले तक गिर चुके हैं। और माना जा रहा है कि दिल्ली में दिसंबर जितनी सर्दी पड़ रही है। पर जयपुर की बात करें तो यहीं हाल ही में 4 से 5 दिन पहले कुछ इलाकों में ओले गिरे थे। पर अब आगे चलते चलते हमें पता चला है कि मौसम यहाँ का नॉर्मल हो चुका है। सुबह की ठंड और शाम की ये मीठी मीठी जो ठंड होती है हमें वही देखने को मिलती है। तो देखते हैं कि आने वाले समय में, आने वाले महीनों में क्या ठंडी एक रूप बदलती है। सर्दियों का दौर कुछ ऐसा है कि जहाँ लोग अपने आप को पूरा ढक कर घूमने लगते हैं, जैसे कोट टोपी आदि पहनने लगते हैं। और जहाँ तक हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों को अक्सर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। सर्दियों का समय ऐसा माना जाता है कि लोगों को मीठा खाना बहुत अच्छा लगता है। और कुछ शहरों में, कुछ गांव में तो पिन्नियाँ, जमामना आदि जैसी चीज़ें बनती हैं और लोग बहुत मज़े से खाते हैं। इसी के साथ लोहड़ी आने से पहले मूंगफली का दौर शुरू हो जाता है। लोग अपने घरों पर बैठ के धूप सेकते हुए मूंगफली, कीनू आदि खाते हैं और इसका खूब आनंद लेते हैं। तो जैसे अब सर्दियां आ चुकी है, तो हम लोगों को देखेंगे मूंगफलियां खाते हुए या फिर कुछ गचक पचक खाते हुए। और कारोबार लोगों का फिर से शुरू हो गया है, क्योंकि शादियों का भी सीज़न आ गया और ये मूंगफली और गचक का तो स्वाद ही कुछ और होता है। अब देखते हैं कि लोहड़ी आने तक क्या अपन मौसम में बदलाव देखते हैं। कैमरामैन मनोज यादव के साथ आयुषी।